हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। गाइस, जो लोग इस बार एमपी नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तो टोटल 4 न्यू मेडिकल कॉलेज हैं, उनको परमिशन मिल चुकी है। अभी एमपी डीएम वेबसाइट पे लिस्ट भी आ गई है। तो टोटल कुल मिला के 300 सीट्स इस बार इनक्रीज होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम सारे कॉलेज देखेंगे और देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये गंज जीएमसी भोपाल, ये इसमें गवर्नमेंट एमबीबीएस है कोर्स, ये सब ये पुराना कॉलेज है। मैं न्यू कॉलेज के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले न्यू, ये पुराना कॉलेज तो आप पहले देख सकते हो और आपको पता भी होगा, ठीक है। तो न्यू कॉलेज की बात करूँ मैं तो ये, ठीक है, ये मंसूर, ये और दूसरा क्या है, सिवनी, ये गवर्नमेंट है दोनों। और तीसरा क्या है, नीमच। ये तीनों मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट है और इसमें तीनों में एमबीबीएस कोर्स, ठीक है। और अभी इसमें सीट्स अवेलेबल नहीं दिखाया, लेकिन एट्स पर रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी पता चला है कि 50-50 सीट्स इन तीनों में परमिशन मिला है। और मॉपअप राउंड तक, सेकंड राउंड तक देखते हैं इंक्रीज सीट इंक्रीज करते कि नहीं लोग। अभी उसके लिए ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल कन्फर्मेशन मिल जाता है मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए 50 सीट्स के लिए परमिशन मिली है इन तीनों मेडिकल कॉलेज को, ठीक है। और ये गवर्नमेंट है। और एक कॉलेज है जो कि प्राइवेट न्यू कॉलेज, तो उसकी बात करूँ मैं तो ये देख सकते हो आप, ये सीहोर में स्थित है स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज सीहोर। तो इसमें ये प्राइवेट है और इसमें आप मान के चलिए कम से कम 150 सीट इसमें है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज। टोटल कितना होगा इधर, मान लीजिए अगर 50-50 इसमें हो जाए तो फिर भी 50 और 150 प्लस 150 मान लीजिए 300 सीट्स इस बार इंक्रीज कन्फर्म है। और आगे हो सकता है इधर इसमें बढ़ाए, तो अभी उसका कन्फर्मेशन मैं फिर से बता तो नहीं है। जैसे कोई कुछ कन्फर्मेशन आता है तो मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए 50-50 सीट मान सकता हूँ। तो अब के लिए अच्छी नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ हाई होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है इस बार। तो थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी इस बार, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो भी मुझसे पर्सनली काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉर्म को फिल करें, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।